लालू प्रसाद यादव की सेहत पे लगातार सुधार हो रहा है, हालांकि उनके कंधे में अभी भी दर्द है। उनके कंधे में फ्रैक्चर है, जिसके कारण दर्द होने के कारण उन्हें थोड़ी परेशानी हो रही है। दिल्ली एम्स में डॉक्टर राकेश यादव खास तौर से उनकी सेहत की निगरानी कर रहे हैं। डॉक्टरों की टीम इस पर नजर रख रही है कि उनकी पुरानी बीमारियां किस तरह से नियंत्रित रखी जाए। इस दौरान आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव अब लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और खाना भी ठीक से खा रहे हैं। एक दिन पहले तक उन्हें खिचड़ी ही दी जा रही थी। उनको किडनी की बीमारी पहले से है, इसलिए पानी की मात्रा पहले की तरह ही नियंत्रित है। दिन भर में 1 लीटर पानी ही वो पी सकते हैं। वहीं प्लास्टर नहीं किए जाने के कारण कंधे में दर्द अभी भी बना हुआ है। आपको बता दें कि कंधे के फ्रैक्चर में प्लास्टर नहीं किया जाता, बल्कि गर्दन से हाथ तक लटकाने वाला बेल्ट लगाया जाता है। कंधे में दर्द के लिए उन्हें दवाएं भी लेनी पड़ रही है, लेकिन इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है कि पेन किलर दवाइयों का कोई ज्यादा साइड इफेक्ट उनकी किडनी, हार्ट या फिर दूसरे ऑर्गन्स पर नहीं पड़े। पटना में जब वो पिछले रविवार को राबड़ी देवी के सरकारी आवास में सीढ़ियां चढ़कर जा रहे थे, तभी गिर पड़े थे और शरीर में 3 जगहों पर फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बाद उन्हें दर्द की दवाएं देनी पड़ी थी। लेकिन रात में बेचैनी महसूस करने के बाद उन्हें पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 3 दिन पारस अस्पताल में इलाज के बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स ले जाया गया, जब से उनका एम्स में इलाज चल रहा था। शुक्रवार को पूर्वी IAS वरिष्ठ नेता और विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा लालू प्रसाद यादव से मिलने एम्स भी गए थे। रिपीट, इसकी जानकारी उन्होंने लालू प्रसाद के साथ फोटो ट्वीट कर दी थी।